हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे और रख रहे होंगे अपना ढेर सारा ख्याल। आज है संडे का दिन, सारे काम हो चुके हैं लेकिन अभी लंच बनाना बाकी है और देर काफ़ी हो चुकी है, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसी कोई झटपट वाली रेसिपी बनाई जाए जो जल्दी बन भी जाए और खाने में भी अच्छी लगे। तो चलिए बनाते हैं आज लखनवी स्टाइल में हरियाली आलू। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और एक देसी टेस्ट आता है इसमें, एक देसी पन है इस रेसिपी में। ये हमने अपनी सासू माँ से सीखी है, तो चलिए आप सबके साथ शेयर करते हैं रेसिपी। यहाँ पर देखिए, हमने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, ये लहसुन की पत्तियाँ हैं, ये हरा लहसुन है, अभी सर्दियों में ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, और ये है खूब सारा हरा धनिया। इस रेसिपी में हरा धनिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि हरापन इसी से आता है। और यहाँ पर आलू लिए हैं, आलू हमने जो नए आलू आए हैं मार्केट में वो वाले लिए हैं, इसका टेस्ट इस रेसिपी में बहुत अच्छा आता है। और मसालों में इसमें मेथी दाना, नमक और जीरा, सिर्फ इतना डालना है बस। और चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू जो है बॉयल करने के लिए रखेंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे इसमें। ये सब्जी हम दो लोगों के लिए बना रहे हैं, आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग आलू की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो जब तक हमारे आलू बॉयल हो रहे हैं तब तक हम हरी मिर्च, लहसुन और धनिया को अच्छे से पीस लेते हैं। तो इसे हम अच्छी प्रकार से ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा मसाला तैयार हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बिल्कुल हरा हरा, और आलू भी बॉयल होके तैयार हैं। तो चलिए अब हम आलू को अच्छी प्रकार से पील कर लेते हैं और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, आलू छील कर और राउंड शेप में काट कर हमने तैयार किया है, आप अपने मनचाहे आकार में काट सकते हैं। और आप इस रेसिपी के लिए बेबी पोटैटो भी ले सकते हैं, जिसे आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आप चाहें तो अपने जो भी तेल आप यूज करते हैं उसमें बना सकते हैं। जैसे ही लगे कि तेल गर्म हो गया है तो इसमें एक छोटे चम्मच मेथी दाना डाल देंगे और एक छोटे चम्मच जीरा। जब हम आपको इंग्रेडिएंट बता रहे थे तो हींग भी डालना है ये बताना रह गया था, तो इसमें हींग भी पड़ेगी। हींग को हम जीरा मेथी के पूरी तरह से क्रैकल होने के बाद ही ऐड करेंगे। यहां हमने एक छोटे चम्मच हींग भी ऐड कर दी है और हम तुरंत इसमें मसाले ऐड करते हैं।
और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये मसाला बहुत अच्छा है तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से हम उस यूज़ करना चाहते हैं, तो नहीं चाहते कि ज़रा भी ये वेस्ट हो। तो हमने इसे पानी डाल दिया। अब इस मसाले में हमें सिर्फ नमक डालना है और कुछ नहीं डालना है। हल्दी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि हल्दी से फिर कलर चेंज हो जाएगा, जो इसका हरापन है वो ख़त्म हो जाएगा। बस 2 मिनट बॉयल करना है, इसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। चलिए हम इसमें नमक ऐड करते हैं। थोड़ा सॉल्ट हमने आलू बॉयल करते समय भी डाला था, तो अभी हम इसमें 2 छोटे चम्मच नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा। दो मिनट हो चुके हैं और ये मसाला पूरी तरह से रेडी है। ध्यान रखिएगा कि इसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इसका रियल फ्लेवर जो है वो चला जाएगा। अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं। आलू डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक और उबालना है इसे, इसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हमारे आलू पूरी तरह से तैयार हैं सर्व करने के लिए, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। कहते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां एल्यूमिनियम के बर्तन में ही हम सही से पका पाते हैं, क्योंकि स्टील की कढ़ाई में बहुत जल्दी सब्जियां जलने लगती हैं, पकड़ लेती हैं नीचे से। लेकिन अगर हम बनाते भी हैं तो उसे जल्द से जल्द हमें कोई भी रेसिपी बनने के बाद, कोई भी खाना बनाने के बाद तुरंत दूसरी बोल में या डिश में ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम करते हैं इसे सर्व। तो देखिए बनकर तैयार हैं हमारे हरियाली आलू। इसे थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून नींबू का रस। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। हम लोग इसे राइस के साथ खाने वाले हैं, लेकिन पराठे, पूरी और जिससे भी चाहें आप खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, तो टीबी टी के साथ बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा। आपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।